सत श्री अकाल माई पंजाबी टीवी तुसीं देख रहे हो तो मैं हाँ जय वर्मा। अज पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड के गल हो रही है और एक आवाज़ जिहड़ी है जस्टिस के लिए उठाई जा रही है और तमाम डॉक्टर्स जिहड़े ने और आम लोग जस्टिस के लिए अगे आ रहे हैं और इस समय चंडीगढ़ पी जी आई के विच खड़े हुए हैं और चंडीगढ़ पी जी आई के विच भी डॉक्टर की स्ट्राइक जिहड़ी है लगातार जारी है और जिहड़ी एमरजेंसी सुविधावां ने वह लगातार जारी ने पर डॉक्टर ने साफ कहता कि जिहड़े भी दूजे पेशेंट ने जिन्हां एमरजेंसी नहीं हैगी उन्हां दे कार्ड तक नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि कह रहे कि पहला सानू इंसाफ चाहिए है। उस इंसाफ के लिए पी जी आई के विच भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और काफ़ी दिन हो चुके हैं और एक मार्च भी कढ़िया जाना है उस डॉक्टर दे नूं जस्टिस दवाने के लिए और जिस तरह के नाल उन्हां दा पहले रेप किया गया रेप करन तो बाद उन्हां दी हत्या जिहड़ी उह कर दित्ती जांदी है उसनूं लैके अज पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड के गल्लां हो रही ने और कहा जा रहा है कि उस डॉक्टर नूं जस्टिस जिहड़ा मिलना चाहिए और इस समय चंडीगढ़ पी जी आई दीआं तस्वीरां भी नाल नाल तुहानूं दिखावांगे कि चंडीगढ़ पी जी आई दे विच भी जिहड़ी एमरजेंसी सुविधावां ने हालांकि जिहड़े इधर दे डॉक्टर्स ने उन्होंने साफ करता कि जिहड़ी भी एमरजेंसी सुविधावां ने या फिर जिहदा भी ऑपरेशन वगैरह होना या फिर जो भी एमरजेंसी जिसनूं भी हैगी है उहदा ट्रीटमेंट जिहड़ा कीता जाऊगा या फिर जिहड़े पुराने कार्ड बने हुए ने उह ट्रीटमेंट दे लई आ रहे ने उन्हां दा ट्रीटमेंट कीता जाऊगा पर नए कार्ड जिहड़े ने वह नहीं बनाए जाएंगे अगर एमरजेंसी नहीं हैगी तो उन्होंने ट्रीटमेंट जिहड़ा नहीं किया जाऊगा। कह रहे कि जदों तक इंसाफ नहीं मिलता उदों तक यह स्ट्राइक जारी रहेगी और उसी करके ही अज चंडीगढ़ के एक डॉक्टर का मार्च जिहड़ा वो कढ़िया जाना नाल नाल तस्वीर भी थोड़ा मार्च दी दिखावे कि अज मार्च कढ़िया जाना और मार्च के डॉक्टर ने साफ करता कि जदों तक इंसाफ नहीं मिलता उदों तक ये स्ट्राइक जिहड़ी हैगी है ये हड़ताल जिहड़ी हैगी है ये जारी रहेगी और ये जिहड़ी स्ट्राइक हैगी है इसनूं हुण आम लोगों का साथ भी मिल रहा हुण आम लोग भी अगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया की गल की जाए तो सोशल मीडिया फुल भरिया होया है और हर एक बंदा अज पोस्ट पा रहा है कि उस डॉक्टर नूं इंसाफ मिलना चाहिए है। आम लोग भी मूहरे आ रहे हैं डॉक्टर भी मूहरे आ रहे हैं पर जिहड़े डॉक्टर्स इधर बैठे हुए हैं या फिर दूजे डॉक्टर्स ने उन्होंने साफ तौर पर यह भी गल कहती कि जदों कोई डॉक्टर आवाज़ बुलंद करन दी कोशिश करता है जदों कोई डॉक्टर कहता है कि जस्टिस मिलना चाहिए जिस तरह के नाल कोलकाता दी तस्वीरां तुसी देखियां होणगियां सोशल मीडिया ते तो डॉक्टर्स भी साफ तौर पर कहते हैं कि उन्होंने आवाज़ बुलंद की पर उन्होंने हस्पताल दे विच गुंडे गए उन्होंने तोड़फोड़ की पर यह आवाज़ जिहड़ी है लगातार वधदी जा रही है। वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर जो उस दिन ड्यूटी पे थी 36 घंटा ड्यूटी पे थी उसके बाद वो जाती है रेस्ट करने, वार्ड में कोई रेस्ट करने का कमरा नहीं है इस करके वहाँ पे ये ट्रेंड है कि सब सेमिनार रूम में जाके ही रेस्ट करते हैं तो वो जाती है सेमिनार रूम में रेस्ट करने। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ वहाँ पे बलात्कार होता है फिर उसका मर्डर किया जाता है ये बात दबाई जाती है नेक्स्ट डे तक भी लोगों को नहीं बताया जाता है उसको पहले सुसाइड करके दबाया जाता है फिर और भी तरह से सबूतें मिटाने की कोशिश की जाती है फिर अल्टीमेटली डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो प्रोटेस्ट शुरू करते हैं फिर वो प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जाती है वहाँ पर गुंडे भेजे जाते हैं हज़ारों की संख्या में गुंडे जाते हैं जो पूरी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। हमारे उस रात को जिस दिन 15 अगस्त को दुनिया भारत इंडिपेंडेंस मना रहा था हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ हमें बचा लो हम मर जाएंगे हम छुप के खड़े यहाँ पे खड़े हैं प्लीज कोई आके हमें बचा लो वो गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुस के लोगों पे वार करना चाह रहे थे ये हालत है तो उसमें हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो क्या करें। मैडम क्या लगता है कि गुंडे मैडम ने बोला कि भेजे गए इसके पीछे मंशा क्या है और किसने गुंडे भेजे? इसमें मैं तो क्या ही कह सकती हूँ ये तो वहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जैसे भी है ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है पर जो भी हाँ एग्जैक्टली जो बागी आगे इन्वेस्टिंग हम ये चाहते हैं कि जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो राधा देन उसको दबाया जाए गुंडागर्दी की जाए खराब काम किया जाए उसको इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर साफ में आए सामने आए कि ये था ये हुआ ये मुजरिम है इनको ये पनिशमेंट मिल रही है बस हम नहीं चाहते कि हम किसी पे ब्लेम करें कि तुमने ये किया और तुमने वो किया हम चाहते हैं कि जो भी है वो मुद्दा सामने आए उसको दबाया ना जाए उस लड़की को जस्टिस मिले। मैडम आप क्या कहना चाहते? मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैम ने अभी बताया कि हम चाहते हैं कि जस्टिस मिले और जो हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाए। मैडम आपने बोला कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे और स्ट्राइक यहाँ पे भी चल रही है और
कई जगह और भी स्ट्राइक चल रही है। अब आगे चाहते क्या हो कि इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह, कौन जांच करे? हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग हमारी है कि उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। जो ये मामला अब जैसे सीबीआई को दे दिया गया है तो उसकी प्रॉपर जांच हो और जो मुजरिम है वो 48 to 72 hours के अंदर पकड़ के एटलीस्ट सामने आए कि ये मुजरिम है। उसके बाद हम एटलीस्ट हमें पता हुआ कि मुजरिम सामने आया तो अब आगे की जांच हो पाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि हमें एक रिटर्न एश्योरेंस मिले कि सीपीए लागू होगा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, आज के बाद सारे डॉक्टर सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा कि वर्क प्लेस पे उनके साथ ऐसा हादसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए कमिटी बैठे, उसके लिए रिटर्न अश्योरेंस मिले, ये हमारी दो प्रमुख मांग है। और जब तक ये पूरी नहीं होगी तो ऐसी प्रोटेस्ट चलता रहेगा, तब तक हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये करते हुए पर ये हमारी मजबूरी है। पर चंडीगढ़ पीजीआई में और जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी क्योंकि आपके साथ भी हैं सारे और कई लोग डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ये है कि जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ है वो सारी चल रही है, तो इमरजेंसी में मरीज़ अगर कोई आ रहा है तो उसको देखा जा रहा है, अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है इमरजेंसी में तो ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। आईसीयू में जो मरीज़ है जो बहुत सिक है उधर भी डॉक्टर हैं, पर जो इलेक्टिव सर्विसेज है, इलेक्टिव सर्विसेज इन ओटी, इलेक्टिव सर्विसेज इन वार्ड, वो बंद है। ओपीडी में भी जो पुराने मरीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो वो देखे जा रहे हैं, जो नए मरीज़ हैं उनके कार्ड नहीं बन रहे हैं। इस सब में हमारे फैकल्टी भी हमारे साथ है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो आके मरीज़ हमारी जगह देख रहे हैं।